फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है सोया। तो आज हम बनाएंगे सोया करी चाप। सबसे पहले हम ये चाप जो है इसको बॉईल करेंगे, और इसके लिए मैंने एक पैन में पानी बॉईल कर लिया है। देखिए पानी बॉईल हो जाएगा तब उसमें हमें आधा नींबू निचोड़ देना, आधा नींबू का रस निचोड़ देना है। देखिए मैंने आधा नींबू का रस इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें आधी चम्मच नमक भी ऐड कर देती हूँ, हाफ चम्मच नमक। और अब हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अपनी सोया चाप स्टिक्स को 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें नींबू ऐड करने से इसमें जो हल्की फुल्की स्मेल होती है वो निकल जाती है, और ये अच्छे से स्पॉन्जी हो जाती है। हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉईल हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल के थोड़ा सा कूल डाउन कर लेंगे प्लेट में। हम इसकी स्टिक को ऐसे आराम से अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये आराम से हो जाती है बॉईल करने के बाद। अब हम इनको फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। और तब तक हम अपनी चाप की कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी इस तरीके से स्लाइस बनाने हैं। इसको आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके के बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रही है हमारी। अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे, प्लेट निकाल लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें सामान चाहिए। खड़े मसाले में मैंने लिया तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग और 2 इलायची, थोड़ा सा जीरा। साथ ही हमें चाहिए नमक, टमाटो की प्यूरी जिसे हमने मिक्सी में पीस कर बनाया है, प्याज, 2 प्याज का पेस्ट, थोड़ी सी मलाई और ये मसाले। अब फ्रेंड्स, हम तेल गरम करके इसमें अपने खड़े मसाले ऐड, इसके बाद हम अपनी प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, और टमाटो प्यूरी। एक बार सौते करके टमाटो प्यूरी डाल देंगे। अब इस मसाले को हम ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम अपने मसालों में अपनी चाप ऐड करेंगे। ऐसे अच्छे से छोटा करेंगे। 1/2 कप पानी ऐड करूंगी और इसको बॉईल आने तक पकाऊंगी। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और अब हम इसे कवर करके बॉयल आने तक पकाएंगे। अब हम इसमें, आप क्रीम चाहे तो क्रीम ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें अपने घर की 2 चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी अपनी हथेली पर लेकर और क्रश करके वो ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस हम इसको 1 मिनट के लिए और कवर करेंगे और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे गैस को ऑफ कर देते हैं और सर्व कर देते हैं। आप इस सब्जी को नान, पराठा, रोटी, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।